hello students today we learn unit 1 plantable survey and topic is 1.3 then summary of last lecture in last lecture we learn definition of plantable survey principles of plantable survey and accessories of plantable survey with their functions and uses. In this session, we learn means learning outcomes means after completion of this video lecture, student will be able to describe the method of orienting the plane table in a given situation. Now, setting up the plane table. Setting up the plane table means टेम्पोर एडजस्टमेंट ऑफ प्लेन टेबल वी ऑलरेडी लर्न इन लास्ट ईयर टेम्पोरि एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कम्पस एंड टेम्पोर एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल एक्सेट्रा द फॉलोइंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म इन सेटिंग ऑफ द टेबल मीन्स टेबल सेटअप करने के लिए कौन से कौन से ऑपरेशन की जरूरत है जैसे प्रिजमेटिक कम्पस के लिए सेंटरिंग और लेवलिंग था दो स्टेप में टेम्पररी एडजस्टमेंट एज सेटिंग ऑफ क्रिजमेटिक कंपस होता था उसके बाद में अपन ने डंपी लेवल टेम्पररी एडजस्टमेंट देखा था उसमें चार स्टेप में होता था है ना तो उस स्टेप सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल हैविंग टू स्टेप दैट इज सेंटरिंग द टेबल एंड लेवलिंग द टेबल द टेबल शुड बी सेटअप एट ए कन्वीनियंट हाइट फॉर वर्किंग जब भी अपन कोई स्टेशन पॉइंट के ऊपर ट्लेन टेबल इंस्टॉल करते हैं तो उसका वर्किंग करने के लिए अपने को कन्वीनियंट हाइट मीन्स अप टू आवर चेस्ट मीन्स नियर अबाउट वन मीटर ओके देन लेवल द टेबल अप्रोक्सीमेटली द लेग ऑफ द ट्राईपोड शुड बी स्प्रेड वेल अपर एंड फर्मली फिक्स इन टू द ग्राउंड जैसे कि अपन ने इसके पहले भी किए थे कि दो लेग पहले अपन फर्मली फिक्स करते हैं ग्राउंड में और उसके बाद में तीसरा लेग शुड बी मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और इनवर्ड और अपवर्ड इन दिस वे से उसको पहले से टेम्पररी सेटअप करने का उसके बाद में नेक्स्ट इज द सेंटरिंग सेंटरिंग मतलब क्या होता है वॉट इज सेंटरिंग कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट इज नोन एज सेंटरिंग ओके सो द टेबल शुड बी प्लेस ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड ओके द पॉइंट प्लॉटेड ऑन द सीट करस्पोंडिंग टू द स्टेशन ऑक्युपाइड शुड बी एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन ऑन द ग्राउंड अपन ने ऑलरेडी एसेसरीज पढ़े हैं जैसे कि यू फ्रेम यू फ्रेम से अपन सेंटरिंग के लिए यूज करेंगे या टेबल सेंटर करेंगे ओके देन नेक्स्ट इज द दिस ऑपरेशन इज नोन एज सेंटरिंग ओके देन दिस मे बी डन बाय प्लम्बिंग फॉर और यू यू फ्रेम ऑलरेडी मैंने आपको बताया देन टू डू दिस प्लेस द पॉइंटेड एंड ऑफ यू फ्रेम

ड्राइंग सीट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं इज नोन एज सेंटरिंग ओके देन मूव द टेबल बॉडी अंटिल द प्लम बॉब हैंग्स एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द पेग ओके देन नेक्स्ट इज द मूव द टेबल बॉडी अंटिल द प्लम बॉब हैंग्स एग्जैक्टली ओवर द सेंटर ऑफ द स्टेशन पेग स्टेशन पेग का सेंटर बिल्कुल एग्जैक्टली ओवर होना चाहिए के ऊपर ओके प्लम और पेक का सेंटर ये कोइंसाइड होना चाहिए देन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन सेंटरिंग डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द प्लान और मैप ओके देन नेक्स्ट इज द लेवलिंग लेवलिंग कैसे होते लेवलिंग कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे अपन लेवलिंग के लिए स्पिरिट लेवल ओके और लेलिंग ट्यूब देन द टेबल इज देन लेवल्ड द टेबल इज देन लेवल बाई मीन ऑफ लेवलिंग स्क्रू और क्लैम्पिंग स्क्रू जिसको बोलते हैं ट्यूब प्लेस ऑन ए टेबल एट एनी कॉर्नर एज एंड चेक द लेवल जैसे कि टेबल को चार कॉर्नर रहे थे तो कोई भी एक कॉर्नर में जो 90 डिग्री में रहते हैं उसमें दो स्पिरिट लेवल रखने का और उसको अप और डाउन थोड़ा मूव करने का और दोनों भी स्पिरिट लेवल का सेंटर बबल अगर सेंटर में आता है तो वो साइड में वो लेवल हो जाएगा एज उसके बाद में इफ द सेंट्रल बबल ऑफ द ट्यूब इज एट सेंटर देन द टेबल इज परफेक्टली हॉरिजेंटल इफ नॉट एडजस्ट द टेबल विदेल्प ऑफ मुविंग ट्राइपॉड लेग एंड क्लैम्पिंग स्क्रू एंड मेक द टेबल लेवल ओके देन देन प्लेस द लेवल ट्यूब टू एडज एज ऑफ द बोर्ड व्हेन प्रीवियली प्लेस एंड रिपीट द अबो स्टेप्स उसके बाद में अगेन चेक द लेवल एक्जेक्टली डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द टेबल जैसे कि पहले अगर कोई एक कॉर्नर में किया तो उसके डायगोनली जो अपोजिट है सेम प्रोसेस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे भी करना है ओके देन वी कैन से दैट टेबल इज परफेक्टली लेवल एंड रेडी फॉर सर्वेइंग तब उसके बाद में फिर टेबल सर्वेइंग करने के लिए रेडी हो जाएगा देन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स बैकसाइटिंग मेथड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड अभी ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पोजीशन ऑफ टेबल शुड बी सेम इन ऑल पॉइंट्स मतलब पहले पॉइंट पे टेबल का पोजीशन जैसा था वैसा टेबल का पोजीशन सभी स्टेशन में रहना चाहिए उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ऑफ टेबल मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई दो तीन स्टेशन पॉइंट है और ये स्टेशन पॉइंट पॉइंट पे सपोज आप नॉर्थ की तरफ अगर मुंह करके खड़े हो गए तो बी स्टेशन पे भी आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे सी पे भी वैसे ही और डी पे भी वैसे ही तो इस टाइप से इसका ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन शुड बी इन टू मेथड्स बैकसाइटिंग मेथड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड देन ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन की डेफिनेशन द प्रिपरेशन ऑफ कीपिंग द पोजीशन ऑफ द टेबल एट ईच ऑफ द सक्सेसिव स्टेशन पैरेलल टू द पोजीशन एट विच पोजीशन विच इट ऑक्युपाइड एट द फर्स्ट स्टेशन इज नोन एज ओरिए मतलब पहले स्टेशन पे टेबल का पोजीशन जैसे है टेबल वो, वो का पोजीशन रहना उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन और द प्रोसेस बाय द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द बोर्ड एट वेरियस सर्वे स्टेशन आर केप पैरल इज नोन एज ओरिएंटेशन ओके टेशन ऑफ प्लेन टेबल बाय मैग्नेटिक मेरेडियन मैग्नेटिक मेरेडियन मतलब बाय ट्रप कंपस ओके सो दिस इज द पोजिशन ऑफ टेबल एंड ड्रॉइंग द नॉट पोजिशन बाय क्रिजमेटिक कंपस तो इन धिस मेथड द मैग्नेटिक नॉट इज ड्रॉन ऑन पेपर एट पर्टिकुलर स्टेशन

मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब नॉर्थ मार्क करके अभी अगर लोकल अट्रैक्शन है तो नॉर्थ प्रॉपर नहीं रहेगा इसलिए ओरिएंटेशन थोड़ा गलत हो सकता है इसलिए बाय मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड इज इज लेस एक्यूरेट एज कंपेयर विद द बैकसाइटिंग मेथड ओके देन बैक साइटिंग मेथड बैक साइटिंग मेथड में जैसे कि ए स्टेशन पे पहले अपना टेबल इंस्टॉल था उसके बाद में दिस इज द बी स्टेशन तो ए स्टेशन पे जब टेबल इंस्टॉल करेंगे लेवलिंग करेंगे सेंटरिंग करेंगे लेवलिंग करेंगे उसके बाद में बी स्टेशन जो है उसका पोजीशन पहले मार्क करेंगे पोजीशन मार्क करने के बाद में जो डायरेक्शन है वो लाइन का फिक्स हो जाएगा और उसके बाद में जो भी रेज है वो ड्रॉ करेंगे उसके बाद में ए टू पी ये जो लेंथ है वो स्केल में कन्वर्ट करके अपन पी स्टेशन का पोजिशन यहाँ पे फिक्स कर लेंगे उसके बाद में ए का पूरा काम होने के बाद में पी के ऊपर जब अपन टेबल इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी अपने पास में ए पी का लाइन वैसे यहाँ पे मार्क रहेगा तो लाइन को पैरलर रख के अपन और टेबल का पोजीशन पी स्टेशन पे भी करेंगे इज नोन एज ए बैक साइटिंग मेथड सो सपोज अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम स्टेशन ए ऑन पेपर एज स्मॉल ए बी ठीक है ग्राउंड पे कैपिटल ए और पी रहता है तो पेपर के ऊपर कौन सा रहता है स्मॉल ए बी रहता है रिप्रेजेंटिंग लाइन कैपिटल ए बी ऑन ग्राउंड द टेबल इज टर्न till the line of back, uh, sighting side sight bisect the ranging rod at P. The board is then clamped at B and then alidade is kept at B. The table is turned till the line of side bisect the ranging rod at A. This method is better than the previous one. And it gives the perfect orientation. Now, summary. After completion of this topic, we are learned procedure for setting of the plane table means temporary adjustment of plane table, definition of orientation, okay, and types of orientation methods. Okay. Thank you.